नमस्कार दोस्तों, आलोक सब्लिमेशन टेक में एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो के अंदर सीखने वाले हैं कि हार्ड से पिलो के अंदर फोटो कैसे प्रिंट करेंगे, वो भी सब्लिमेशन प्रिंटिंग के द्वारा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरे पर हार्ड शेप के कुछ पिलो पड़े हैं जिसके ऊपर आज हम लोग सब्लिमेशन प्रिंटिंग करना सीखेंगे। तो वीडियो में दोस्तों लास्ट तक बने रहिए और देखते रहिए आलोक सब्लिमेशन टेक। तो चलिए हम लोग चलते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर, पहले वहाँ डिजाइन करते हैं। प्रिंटआउट निकल चुका है जो कि हम लोग पिलो के ऊपर प्रिंट करने वाला। तो फटाफट हम लोग इसकी जो है कटिंग कर लेंगे। यहाँ पर कुछ इस तरीके से हम लोग इसको कट कर लेंगे। ये देखिए, बराबर में आप लोगों को इसको कटिंग कर लेना है। देखिए दोस्तों, हम लोगों को फाइनली कटिंग हो चुका है। अब हम लोग चलते हैं 500 प्रेस मशीन के ऊपर, वहां पर हम लोग पहले इसको प्रिंट करेंगे। तो ये देखिए दोस्तों, आपका पिलो कुछ इस तरीके से आप लोगों को यहाँ पर रख लेना है। ये देखिए, हार्ड शेप का पिलो इस तरीके से रख लेना है और इसके ऊपर टेफ्लॉन शीट का प्रयोग आपको करना है। एक नीचे आपको लगानी है टेफ्लॉन शीट और एक ऊपर। कुछ इस तरीके से हम लोग टेफ्लॉन शीट को रख लेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये मशीन है हम लोगों की 5-in-1 हीट प्रेस मशीन। टाइम और टेम्परेचर कैसे सेट करना है दोस्तों, मैंने ऑलरेडी सभी वीडियो में बता रखा है। इसमें कुछ नया मैं आपको नहीं बताने वाला हूँ। मशीन को कुछ इस तरीके से हम लोग ऑन कर लेंगे। यहाँ पर ये मोर के बटन हम लोग इसको प्रेस करेंगे। मिनिमम टेम्परेचर 350, मैक्सिमम टेम्परेचर जो होगा वो भी 350 और टाइमिंग जो होगा दोस्तों ये 60 सेकंड होगा। यहाँ पर कुछ इस तरीके से हम लोग इसको 60 सेकंड कर लेंगे। ये देखिए, देखिए हम लोग मशीन हीट हो रही है। जैसे ही मशीन बीप की आवाज़ करेगी हम लोग जो है इसको यहाँ पर प्रेस करेंगे। पहले हम लोग इसको प्रेस करके थोड़ा सा इसको सीधा कर लेते हैं। यहाँ पर जो आपके मुड़े रहते हैं बहुत सारे आपको यहाँ पर देख सकते हैं। ये देखिए, इस तरीके से सिकुड़न आ जाती है, इसलिए हम लोग इसको जो है प्रेस कर ले रहे हैं थोड़ा सा, ताकि हम लोगों का ये सीधा हो जाए, तब आपको पेपर लगाने में दिक्कत नहीं होगी। ये देखिए, हम लोगों ने प्रेस कर दिया है, इसको हटा लेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये प्लेन आप लोगों को सरफेस दिखाई पड़ रहा होगा कि कितना प्लेन हो चुका है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये देखिए, ये प्लेन हो चुका है सरफेस आपका। तो हम लोग इसके ऊपर जो पिक हम लोगों ने निकाल रखा है उसको यहाँ इजिली इस तरीके से यहाँ पर सेट करना होगा आपको। कुछ इस तरीके से यहाँ पर आप देख सकते हैं मशीन भी रेडी हो चुकी है, बीप की आवाज़ कर चुकी है। अब हम लोग इसको यहाँ पर बढ़िया से सेट कर दे रहे हैं। करने के बाद दोस्तों, यहाँ पर आप लोग को सब्लिमेशन टेप की सहायता से, ये सब्लिमेशन टेप है जिसको हम लोग यहाँ पर लगा देंगे ताकि हम लोगों का प्रिंट आउट जो है इधर उधर हिले नहीं और ये बढ़िया से प्रिंट हो जाए। ये आप देख सकते हैं, फिर भी ये हिल रहा है। हम लोग इसको थोड़ा सा सेट कर लेंगे। ये देखिए, इस तरीके से कर दिए। देखिए दोस्तों, हम लोगों ने यहाँ पर टेप लगा दिया है इसके ऊपर बढ़िया से। इसके ऊपर हम लोग टेफ्लॉन शीट को रख देंगे, ये वाली टेफ्लॉन शीट रख देंगे। उसके बाद इस तरीके से मशीन को हम लोग घुमा लेंगे। ये देखिए, मशीन को घुमा करके हम लोग इसको प्रेस कर देंगे। ज़्यादा प्रेस हो रहा है, थोड़ा सा प्रेशर को कम करेंगे। ये देखिए दोस्तों, हम लोगों का कुछ प्रिंट हो चुका है पिलो। कुछ ही सेकंड बचे हुए हैं, जैसे मशीन बीप की आवाज़ करेगी हम लोग यहां से पिलो को निकालेंगे और दूसरा पिलो प्रिंट करेंगे। ये देखिए, फाइनली एक प्रिंट पिलो हो चुका है हम लोगों का। हम लोग इसको प्रेशर को थोड़ा सा ऊपर कर लेंगे, यहाँ से इसको हटाएंगे। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये देखिए हम लोग इसको प्रिंट को निकालेंगे। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि ये एक पिलो आपका प्रिंट हो चुका है। ये देखिए, थोड़ा सा जूम करके मैं आपको दिखा दूँ कितना बढ़िया ये प्रिंट आया हुआ है इस तरीके से। इसके बाद हम लोग इस पिलो को हटा लेते हैं यहाँ से। ये देख सकते हैं आप, अभी मैं आपको सेट करके दिखाता हूँ। इसको हम लोग साइड में रखते हैं और ये दूसरा पिलो आप देख सकते हैं। इसी तरीके से सेम प्रोसेस करना है दोस्तों। किस तरीके से करना है हम लोग चलिए फटाफट इसको कर लेते हैं। ये देखिए, दूसरा पिलो भी हम लोग यहाँ पर रख चुके हैं और इसको प्लेन कर दिए। ये देखिए, प्रिंट आउट है हम लोगों का। हम लोग इसको उसी तरीके से सेम सेट कर देंगे यहाँ पर, कुछ इस तरीके से आप देख सकते हैं। टेप की सहायता से लॉक कर देंगे हम लोग। ये देखिए, सब्लिमेशन टेप की सहायता से हम लोग इसको बढ़िया से लॉक कर देंगे। ये देखिए, इसको करने के बाद हम लोग टेफ्लॉन शीट को फिर से रखेंगे, वही सेम प्रोसेस। टेफ्लॉन शीट रखने से दोस्तों प्रिंट आउट जो है बढ़िया आता है, क्वालिटी और मशीन की लाइफ भी बनी रहती है, इसलिए आप लोगों को टेफ्लॉन शीट यूज करना जरूरी हो जाता है। इस तरीके से रखने के बाद हम लोग इसको
प्रेस कर देंगे। लास्ट वाले बटन प्रेस कर देंगे, टाइम चलना स्टार्ट हो चुका है दोस्तों। जैसे ही मशीन बीप की आवाज़ करेगी हम लोग दूसरा बीप पिलो निकालेंगे। जो लोग मेरे चैनल पे दोस्तों पहली बार विजिट कर रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि इस तरीके के प्रिंटिंग आइडियाज जो मैं आप लोगों के लिए लेकर के आता रहता हूं, आप लोगों से मिस ना हो। ये देखिए दोस्तों मशीन बीप की आवाज़ कर दी है, हम लोगों का प्रिंट कंप्लीट हो चुका है। हम लोग मशीन को ऑफ कर देंगे कुछ इस तरीके से, तो उसके बाद यहाँ से इसको ऊपर कर लेंगे, प्रेशर को थोड़ा सा ऊपर कर लेंगे हम लोग यहाँ से इसको घुमा करके, फिर कुछ इस तरीके से यहाँ पे घुमा देंगे। ये देखिए इसको हम लोग यहाँ से निकाल लेंगे, ये देखिए ये प्रिंट हो चुका है। ये देखिए पूरा कंप्लीट किस तरीके से प्रिंट आई हुई है, आप देख सकते हैं यहाँ। इस तरीके से दोस्तों आपको जो है इजिली 5-in-1 मशीन में पिलो को प्रिंट कर लेना। ये दूसरा पिलो भी आप देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग फटाफट इसके अंदर जो है जो फॉर्म आता है उसको हम लोग भर के इसको कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पर आपको इस तरीके से पिलो मिल जाता है, इसके अंदर जो फॉर्म रहता है कुछ इस तरीके से आप लोगों को मिल जाता है। तो हम लोग इसको फटाफट ओपन कर लेंगे पहले। ये देखिए यहाँ से हम लोग इसको कट कर लेंगे। ये देखिए कट करने के बाद आपको इसको निकालना है यहाँ से, ये आप देख सकते हैं। और इसको यहाँ पर जो चैन आपको जीप यहाँ पर आप लोगों को दिखाई पड़ रही होगी साइड से, ये देखिए इसको हम लोग यहाँ से ओपन कर लेंगे। ये देखिए इस तरीके से हम लोग इसको ओपन कर लेंगे। ये देखिए हम लोगों ने ओपन कर लिया और इसको अब इसके अंदर हम लोग फॉर्म को भर देंगे। ये देखिए ये आप देख सकते हैं, इसको भरने के बाद हम लोग इसको बंद कर देंगे, बराबर में इसको सेट कर देंगे ताकि ये आपका बराबर में दिखता रहे। ये देखिए थोड़ा सा दबा देंगे इसको और इस जिप को हम लोग यहाँ से बंद कर देंगे कुछ इस तरीके से, ये देख सकते हैं आप। ये देखिए इस तरीके से दोस्तों आपका एक जो है पिलो बन करके तैयार हो जाता है। इसी तरीके से आपको दूसरा भी करना है। ये देखिए इसकी भी हम लोग जिप खोल देते हैं यहाँ से, ये जो चैन लगी हुई है ये देखिए, और ये कुछ इस तरीके से हम लोगों का फॉर्म है, इसको ओपन कर लेना है यहाँ से। ये देखिए ओपन करने के बाद हम लोग इसको यहाँ से निकाल लेंगे। और इसको भी हम लोग इसी तरीके से भर देंगे यहाँ से। ये देखिए ध्यान रखना जिधर हार्ड शेप बना है नीचे की तरफ इस तरह आपको रखना है, ऊपर वाला भाग ऊपर की तरफ, क्योंकि सेम हार्ड शेप में ये भी कटा हुआ है, उसी तरीके से इसको फॉर्म को भी भरना है अंदर। ये देखिए अभी ये सेट हो पाएगा आपका। ये देखिए यहाँ पर, ये देखिए, ये देखिए इस तरीके से हम लोग जिप को फिर से बंद कर देंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये वाला भी पिलो। इस तरीके से दोस्तों आपका जो है दोनों पिलो बन करके तैयार हो गया। अगर आप लोगों को कोई डाउट है दोस्तों तो आप लोग इजीली कमेंट कर सकते हो। चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो, ताकि इस तरीके के प्रिंटिंग आइडियाज जो मैं आप लोगों के लिए लेकर के आता रहता हूँ आप लोगों से मिस ना हो। आई होप कि दोस्तों आप लोगों को वीडियो पसंद आया, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दिया, चैनल पर पहली बार विजिट, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि इस तरीके के प्रिंटिंग आइडियाज जो मैं आप लोगों के लिए लेकर आता हूँ आप लोगों से मिस ना हो। इसी के साथ दोस्तों नमस्कार, मिलता हूँ किसी नए प्रिंटिंग आइडिया के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।